संजय प्रजापति आदित्या सर्वे अपि यत काम बल। बड़े बड़े स्कूलों ने भी अपने सभी बच्चों को एक एक झंडा उपहार स्वरूप दिया है। हमारे यंग जनरेशन में हमारे हिंदू धर्म का प्रचार हो। कोई भी अगर 22 तारीख को मिठाई लेगा बांटेगा उसको आधे मूल्य पे मिठाई मिलेगी। दिवाली से भी ज्यादा दिवाली होगी, ये बहुत खूबसूरत रोशनी वाली दिवाली होगी। प्राण प्रतिष्ठा में हम राम जी की सब लोग जोर शोर से भाग ले रहे हैं। ये 500 साल के संघर्ष के बाद में साक्षात रूप से भगवान श्री राम अयोध्या में अपने घर में आ रहे हैं। 22 तारीख को अयोध्या राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर गाजियाबाद के अंदर अलग अलग तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता और तमाम अधिकारी मौजूद हैं। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बजरंग दल के द्वारा क्या क्या तैयारियां की जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिला अध्यक्ष जी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सर, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, बजरंग दल के द्वारा क्या तैयारियां की जा रही है? पूरे शहर में एक उत्सव का माहौल है, एक बड़ी दिवाली का नाम हमने इसको दिया है। अभी तक जैसे कि 14 वर्ष के वनवास के बाद में भगवान श्री राम अयोध्या आए थे, दिवाली मनती है, पर ये 500 साल के संघर्ष के बाद में साक्षात रूप से भगवान श्री राम अयोध्या में अपने घर में आ रहे हैं। हम लोग जगह जगह हमने बिजली के लाइट लगाई हैं, आतिशबाजी का आयोजन है और घरों पर झंडे, श्री राम नाम के झंडे आप देखिए पूरे शहर में हैं, जो कि विश्व हिंदू परिषद भजन दल द्वारा लगाए जा रहे हैं। और स्कूलों में भी ये पहली बार ऐसा हुआ है, हम लोगों के प्रयास से बड़े बड़े स्कूलों ने भी अपने सभी बच्चों को एक एक झंडा उपहार स्वरूप दिया है। तो ये सारा पूरा शहर एक राम में और भगवान होने जा रहा है, जो 22 तारीख को आप देखेंगे अद्भुत दृश्य होगा पूरे गाजियाबाद नगर का ही नहीं पूरे देश का। अच्छा, गाजियाबाद की आपने बताई कि तमाम तैयारियों के लिए आपने बताया, और क्या क्या तैयारी की जा रही? मार्केटों की अगर बात करें तो मार्केटों के अंदर किस तरीके की? मार्केट में जितने व्यापार मंडल हैं वो सब उसको सुसज्जित कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि जैसे दिवाली के दिनों में घर में पेंट पुताई होती है, एक एक बिजली का खंभा चमका दिया गया, एक एक जगह लड़ियाँ लगी हुई हैं। अगर आप शहर के अंदर देखेंगे, मतलब मिठाइयों के आयोजन हो रहे हैं, मिठाइयाँ बन रही हैं, दुकानदारों ने भी अपने आधे रेट पर मिठाई की रेट कर दिए 22 तारीख के लिए, कि जो भी अगर 22 तारीख को मिठाई लेगा बांटेगा उसको आधे मूल्य पर मिठाई मिलेगी। एक माहौल जो बन रहा है ये हम लोगों के लिए बड़ा गर्व की बात है। 2024 हमें ये दिन देखने को मिल रहा है, कई पीढ़ियाँ जो जिसके लिए संघर्ष में रहीं आज वो दिन हमारे सामने है और हम लोग भी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, हमें भी समय मिला है वहाँ पर। अच्छा, अध्यक्ष जी ने जैसे बताया कि मिठाई वालों ने आधे दाम कर दिए हैं। जी, मिठाई वालों ने आधे दाम कर दिए हैं। हमारा अगर आप दिल्ली गेट देखेंगे, पूरा दिल्ली गेट से चौपला पूरा सज चुका है, पूरा भगवान में हो चुका है। भाई साहब ने जैसे बताया, सभी पोल खंभे जो है वो हमारे भगवान में हो चुके हैं। आपके द्वारा क्या क्या और तैयारियां की गई, कैसे 22 तारीख का प्रोग्राम रहेगा, क्या कुछ? पहले तो अक्षत वितरण द्वारा सभी को जागरूक किया गया, उसके बाद 22 तारीख को अलग अलग मंदिरों में अलग अलग जगह पर कार्यक्रम हो रहे हैं, कुछ बड़े कार्यक्रम भी हो रहे हैं, जैसे सिल्वर लाइन स्कूल में 2000 बच्चों का कार्यक्रम हो रहा है। अभी आप एक कार्यक्रम देख रहे हैं, ये उसी के निमित्त चल रहा है। 22 तारीख को कई जगह शोभा यात्राएं भी निकाली जा रही है। अच्छा, जो प्रोग्राम यहाँ पे किया जा रहा है ये किस तरीके का प्रोग्राम है, कितने लोग यहाँ पर पहुँचे हैं? यहाँ पर 500 लोगों का हमारा व्यवस्था हमने की है। 11 कुंडीय यज्ञ है जो ये चलता रहेगा शाम तक, और सब आएंगे, भोजन प्रसाद भी प्राप्त करेंगे। विश्व हिंदू परिषद का ये हमारा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जिसमें यहाँ पर स्थानीय एल ब्लॉक में जहाँ हम कर रहे हैं, यहाँ के वरिष्ठ समाज सेवी श्री मदन मोहन अग्रवाल जी द्वारा सारी व्यवस्था की गई है कि विश्व हिंदू परिषद अगर कोई कार्य करता है तो उसके लिए मैं हर प्रकार से सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, पूरी तरह से जो पार्क है उसको सजा दिया गया है, एक बहुत अच्छी मूर्ति हनुमान जी की बनाई गई, पूरी तरह से सजाया गया है, किस तरह से ये तैयारियाँ की गई, कितना समय? ये सब जितना भी यहाँ पर मंदिर मूर्ति या आज जो यज्ञ हो रहा है ये कोई व्यक्ति नहीं करा रहा है, ये भगवान ही उसके कराने वाले हैं और भगवान के ही निमित्त हो रहा है। सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है, 500 वर्ष में जो हमारी पीढ़ियों ने रक्तदान दिया, आज हमारी जो यंग जनरेशन है वो देख रही है कि कौन कितना इसको कल्चर में आएगा। हमारा क्या है, हमारी तो और 10-5 साल उम्र है, लेकिन जो ये जो राम प्रतिष्ठा हो रही है इसमें यंग जनरेशन जो भाग ले रही है, उससे को देखते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारी यंग जनरेशन में हमारे हिंदू धर्म का प्रचार हो। अच्छा, तो देश में मानते हैं कि दो बार दिवाली मनाई जाएंगे? हाँ जी, दो बार दिवाली इस बार देश बिल्कुल दिवाली से भी ज़्यादा दिवाली होगी, ये बहुत खूबसूरत रोशनी वाली
दिवाली होगी और ऐसा लग रहा है त्रेता युग में हम दोबारा त्रेता युग में आ गए हैं। त्रेता युग में हमारे राम भगवान थे, आराध्य थे, तो ऐसा लग रहा है त्रेता युग में हम दोबारा से हमने जन्म लिया है। क्या कहना चाहेंगे 22 तारीख को लेकर? मैं 22 तारीख को हमारे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसमें सभी हमारे बारी भाई भी और जितने भी हमारे मैं एल ब्लॉक में रहता हूँ, एल ब्लॉक के जितने भी हमारे भाई लोग हैं, आज देखिए कितना सुंदर सजावट कर रखी है। और इसी तरीके से हमारे भाई लोग जो हैं अपना प्राण प्रतिष्ठा में राम जी की सब लोग जोर शोर से भाग ले रहे हैं। तो साफ तौर पर अलग अलग विभागों के द्वारा, अलग अलग दलों के द्वारा तैयारियां की जा रही है। एक तैयारी गाजियाबाद के कवि नगर में भी की गई है, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा और भजन दल के द्वारा ये तैयारी की गई है। साफ तौर पर जो हनुमान जी हैं उनकी जो मूर्ति है उसको पूरी तरह से सजाया गया है, पूरे पार्क को सजाया गया है, दियों से जो पूरा पार्क है वो जगमगाता हुआ नजर आ रहा है। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।